Welcome artists. Welcome to an artist for an artist podcast. Today's guest is the most famous artist, SPS Art. Welcome bro to the artist for an artist podcast. Thanks for having me. So SPS, you are a very famous artist actually. Not that much, but yes. So can you tell something about yourself? Hindi mein bolta hu, zara zyada hai. ड्राइंग करना बहुत बचपन से चालू किया था, क्योंकि अराउंड 2013 में मैंने क्लासेस ज्वाइन किए ड्राइंग के. मतलब जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तब ड्राइंग के क्लासेस ज्वाइन किए थे. उससे पहले भी निकालता था मैं ड्राइंग तो. और हाँ, और 16 साल का हूँ, 11 में पढ़ता हूँ, गोवा से हूँ. गोवा? वाह. और कहाँ से? मडगांव? नहीं, मतलब पणजी से हूँ. व्हाट इज योर रियल नेम, कैन आई आस्क? एक्चुअली रियल नेम सौमित्र. मैंने एक्चुअली वो मेरे इंस्टाग्राम बायो में रखा है, लेकिन कोई बुलाता नहीं नाम से, तो सौमित्र है. सौमित्र सौमित्र प्रदीप शर्मा का नाम तो वही रख दिया. सो what was your inspiration when you started art on Instagram? If I guess it will be Gox. नहीं, Gox को मैंने बहुत बार बहुत मतलब महीनों बाद डिस्कवर किया था. उसके पहले Vex, मतलब OG बोलते हैं वो, वैसा. क्योंकि मेरा एक्चुअली जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना कोविड की वजह से, मतलब उस वक्त मैंने उसके वीडियोस देखे थे. मतलब भाई तूने भी ये लॉकडाउन टाइम पे आर्ट स्टार्ट किया है? अरे लॉकडाउन गोल्डन पीरियड था. आई डोंट मीन दैट लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो हम पहले जो आर्टिस्ट थे उनसे भी, मतलब उनका एक्सपीरियंस एक साल में इतना सारा हो गया है, एक साल दो साल में. मैं डूडल आर्ट कुछ समझ लो 3 साल से बना रहा हूँ, लेकिन भाई 2 साल में मेरे से भी अच्छा बनाता है. इसलिए मतलब और अपने भाई इंडियन डूडलर है. यू नो इंडियन डूडलर? सुना है लेकिन देखा होगा, लेकिन नाम इतने याद नहीं रहते. बहुत सारे इंडियन डूडल कम्युनिटी इज नाउ ग्रोइंग टू मच वेल, एंड ही इज द गाय रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग रैप कम्युनिटी नोन टू डूडल कम्युनिटी. दैट्स व्हाई. मेरा भाई कौन है? ही इज लाइक माय मेंटर. वेट, आई कैन सेंड यू हिज प्रोफाइल. हां, भेजो Instagram पे. यस, आई कैन सेंड यू. इंडियन डूडलर, ही वर्क विद मेनी ग्रेट आर्टिस्ट एक्चुअली. आई कैन सेंड यू हिज वन ऑफ द पोस्टर्स एक्चुअली. हां, इसको देखा है मैंने. पता है. This guy is such a, he's like a mentor to me. बहुत मतलब ग्रो किया है पहले से. He worked his ass off, man. जल्दी से डेवलप किया है पूरा स्टाइल भी. He was talking about that on podcast. He said that he did the right shit on right time. सही टाइम पे सही मौका दिया है. मौके पे चौका मारा इसने. ये सिक्सेंस होनी बहुत जरूरी है. लेकिन मेरे ने गवा दिया था. मेरी राय से तो लेकिन लॉकडाउन के मतलब जो स्टार्टिंग का जो टाइम था, मतलब मार्च में अराउंड वो शुरू हुआ था ना लॉकडाउन, मार्च या अप्रैल में, तो उस 6 महीने में जो आर्ट कम्युनिटी मतलब इंडियन ज्यादा है. उससे पहले मतलब मुझे याद है हाँ भाई, 5 लोगों को उठा लो, 5 में से 5वां आदमी वो इंडियन होगा, ऐसा है. सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. मीडिया वाले वो लोग उधर कॉपिक से इतना इतना बेकार बनाते हैं वो लोग कॉपिक से, और अभी ये लोग यूज करके इतना अच्छा बनाते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. ये बात जब बड़े बड़े आर्टिस्ट को पता चला, आई कांट से द नेम एक्चुअली, कहने लगे hey, हाँ ऑफ कोर्स, यस हाँ पता है मुझे वो. लेकिन इन दिनों ज्यादा मैं इंस्टाग्राम पर फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि इसको बाद में बोलेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन है ना वो, मतलब सबसे बड़ा अभी तक गलती क्या किया पता है? वो नंबर वाला तूने कोई वीडियो बनाया था पता है भाई? पेंट बाय नंबर. हाँ भाई, उसमें तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया.
हाँ भाई, 3 महीने चले गए उसमें मेरे, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, प्लस एग्जाम्स एक के बाद एक आ रहे थे ना उसके, वो तो वही बात है, अभी 3 महीने ऐसे निकल गया वो। हाँ 3 महीना एक आठ के पीछे, टाइम भले ही बहुत सारा चला गया हो लेकिन आर्ट बहुत अच्छा बना था वो वाला। अच्छा बना था लेकिन वो इतना भी, मतलब अगर मैं मेरे ओन कलर्स अगर यूज करता ना तो बहुत अच्छा बनता, मतलब अल्कोहल बेस्ड पेंटिंग किट का मतलब फोकस था तो उधर सिर्फ वही यूज करना पड़ा, और वो कलर्स मतलब कुछ भी बहुत ही बेकार थे, एक्यूरेट नहीं थे। वीडियो में दिखा हो तो बोला है, बोले और अभी तक का तेरे सबसे से कह सकते हैं ना मास्टरपीस टाइप का कोई पेंटिंग हो तो वो ये एंग्री ब्रश वाला है। अरे वो तो बहुत, मतलब उसका वो स्काई वाला पार्ट है ना वो बहुत यार, वो पार्ट हार्ड होगा, बहुत हार्ड था, मतलब 3-4 बार मैंने उसे मतलब फुल वाइप करके फिर से बनाया था, लेकिन तभी भी वो फाइनल भी इतना नहीं अच्छा आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्राई किया था, मतलब स्काई को उस तरह से पेंट करना, और पहले पेंट किया था लेकिन वो पहले जो मैंने किया था ना वैसा ट्राई वो था ऑयल पेंट में, और ऑयल पेंट्स बहुत डिफरेंट है एक्रिलिक से, बहुत मतलब बहुत, लेकिन वो भी टाइम बहुत लेते हैं ऑयल्स तो भाई। हाँ श्रिम्पी, हाँ वो भाई देखता भी नहीं है, मतलब नो ऑफेंस टू हिम, उसको कोई गाली देने मत जाना बोल के कि हाँ हमने तो ये पॉडकास्ट को सुना था उसको गाली देना है, ऐसा भी मत करना, लेकिन वो बड़े बड़े लोग है वो इतना लेकिन फोकस नहीं कर रहा इस वक्त आर्ट पे, लेकिन वे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बहुत अच्छे है उसके पुराने वाले है ना, वो जब वो मतलब कंसिस्टेंट था तब वो भाई मतलब वो एक इरादा उसका, फेलिंग एवरी सिंगल थिंग ही डिड, उसका लॉकडाउन टाइम पे बहुत ग्रोथ हुआ है, कह सकते हैं ना कि मैं रात को सोता था 3-4 दिन बाद ऑनलाइन क्लास की जगह उसका वीडियो चल रहा होता था वो भी एक वाइब थी श्रीपी गॉक्स, वो पुरानी उनकी वाइब ही चली गई, अब पैसों का चक्कर चली गई ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन वैक्स जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं वो फ्लैगशिप था, वो सारे इन शिप्स को डायरेक्शन दिखा रहा था, और जब ये वही इन दिनों थोड़ा मतलब एक्टिव नहीं है ना, तो वो एक्टिव नहीं है क्योंकि वो बड़े काम पे फोकस कर रहा है, तो उसने देख लिया कि पेपर पे करूंगा NFT कम्युनिटी, तो देखिए NFT कम्युनिटी में वो जस्ट मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ भी सीधा मतलब NFT आया, सीधा इथेरियम का प्राइस भी बढ़ा उसके साथ, हाँ। बेल्जियम मार्केट में हर जगह यूरोप में वैक्स 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 चल रहा है अभी, इसलिए उसने भी लेकिन NFT परफेक्ट टाइम पे बनाया, परफेक्ट टाइम पे उसने चालू किया, और मैंने भी एक बार NFT बेची थी, लेकिन उसकी एक चीज है कि जिसने भी राइट टाइम पे किया था NFT का वो चला गया, वो इसलिए मेरा भी पोर्टफोलियो मतलब ठीक ठाक है, लेकिन मेरे पास गैस फी के लिए छोड़ो तो क्या होता है कि जब बीपल क्रैप आया था ना तब मिंट करना आसान हो गया था। तुम्हारा बेचा गया था NFT? हाँ हाँ भाई, वो आपको बेचता हूँ, रुको, वो एक मॉन्स्टर है, मैं वो बनाया है, तो टिप्स दे दो भाई, मेरा भाई कुछ टिप्स, भाई मेरे को टिप्स की जरूरत है, उसके लिए अभी एक पॉडकास्ट बनाया है, वो आप सुन लेना, अभी आने वाला है भाई, वरना कंटेंट नहीं रहेगा ना भाई, मतलब मैंने अभी एक इंग्लिश आर्टिस्ट के साथ बनाया भाई, वो इतना प्रोफेशनल बंदा है, उसका नाम है रस्क वर्ल्ड, वो इंस्टाग्राम पे उतना फोकस ही नहीं करता, उसने मेरे को NFT के बारे में 4 मिनट में जो बताया ना, वो मैंने इतने महीनों में वीडियो देखा वो नहीं बता पाए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, पॉइंट टू पॉइंट बात की है उसने, मतलब मैंने अभी तक तो NFT वो भाई बनाया, मैंने भेजा है, हाँ हाँ भाई, लेकिन वो अभी सेल नहीं हुआ, अगर वो सेल हो जाता है ना तो जितना वो मतलब इथेरियम वगैरह आएगा, किस पे बेचा है वो, किस पे रखा है वो, गिवअवे कर दूंगा एक दिन में एक दिन पे नहीं करते भाई, वो अपने कौन से में बेचा है, ओपन सी, रेरिबल, कौन सी साइट पे लगाया था वो तुमने? मैंने तो ओपन सी पे ही किया है सब कुछ, हाँ ओपन सी ना, उसका कुछ तो मतलब गड़बड़ हुआ है इन दिनों, देखिए तुम, गड़बड़ नहीं है वो, ये इंडिया में 30% टैक्स लगा है ना उसका है वो, हाँ पड़ा है वो, कुछ पॉलीगॉन पूरा यूजर इंटरफेस घट गए थे, यूजर इंटरफेरेंस बदला दिया है इंडिया के लिए,
इसके लिए क्या करने का, अभी हमको ना वो एक कैसे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो तीन ऐसे वीडियो डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी एनएफटी के लिए। सो व्हाट आर योर टूल्स यू यूज टू ड्रॉ, कौन से मार्कर्स यूज करते हो? फर्स्ट हम चालू करते हैं मार्कर्स से। हाँ तो भाई ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा क्योंकि मैंने मार्कर्स लिए थे और यूज भी करे थे, मतलब अराउंड 1.5 साल तो मैंने मार्कर्स यूज किए थे। लेकिन कैसा हुआ कि मैं पहले से ब्रश से पेंटिंग बना रहा था, मतलब कैनवास पे और वो लैंडस्केप, बहुत बहुत लैंडस्केप बनाए मैंने, तो कैनवास पे बना रहा था। आप उस पे हो? आप कंफर्टेबल वो ऑयल पेंट्स क्या पेंट पे हो आप? ब्रश से ज्यादा कंफर्टेबल हो? हाँ ब्रश से मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और उससे भी ज्यादा कैनवास पर कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो और वो भी कैनवास वो क्या बोलते हैं वो, हाँ स्ट्रेच्ड कैनवास होता है ना, वो ज्यादा मतलब स्मूथ टेक्सचर नहीं लेकिन स्मूथ ऐसे लाइंस जो बनाते हैं ना वो उस स्ट्रेच्ड कैनवास पे अच्छे आते हैं। और मैं इन दिनों एक्रिलिक्स यूज कर रहा हूँ, एक्रिलिक्स मतलब कौन से, कैमल एक्रिलिक कलर, आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स, ये भी भाई बहुत डिफरेंस है। तुमने ट्राई किया है कभी ऑयल पेंट्स? थी एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत बड़ा फील था, मैंने ये क्या कहते हैं एक्रिलिक ट्राई किया था मेरे कैनवास पे, बहुत बुरा हुआ था भाई सच में। एक्रिलिक्स में कैसा है ना वो बहुत मतलब फास्ट करना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी से ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ब्लेंड ज्यादा नहीं होता। हाँ वो कुछ, लेकिन यहाँ गोवा में मुझे थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ का थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा ह्यूमिड है ना, तो मतलब 10-12 सेकंड ज्यादा चल जाता है वो, तो एक्रिलिक्स मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर ऑयल्स को ऐसा अगर हो जाता है क्योंकि कि मैं जब चाहूँ तब उसे उन्हें ड्राई कर सकूँ, एक सेकंड में वरना 1 साल में, तो भाई मैं वो मीडियम चूज करूंगा। तो आप इंकिंग के लिए क्या यूज करते हो? इंकिंग के लिए मैं पहले मेरे पास रखा है पीट आर्टिस्ट पेंस, वेबर केसर, मैं भी वही यूज करता था लेकिन वो उसकी टिप अंदर चली जाती है यार। हाँ वो बहुत मतलब तकलीफ होती है उसकी, इसलिए अभी मैंने उसके पहले एक ब्रश स्ट्रोक के लिए और अभी मेरे पास ये साकुरा पिग्मा है। साकुरा पिग्मा सच में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है वो, मैंने ऐसे ही मतलब शॉप में ट्राई किया था, लिया नहीं था, लेकिन वो बहुत मतलब ब्रश जो टिप होती है ना वो बहुत यूजफुल होते हैं। नहीं मतलब ब्रश वो ज्यादा महंगी है मेरे लिए। कितना एमएम का वो मतलब ये टिप उसका? हाँ मतलब सबसे बड़े वाला है 0.5 वाला। 0.5 देखता हूँ, ना 0.5 खाली 0.5। हाँ ओके मतलब इसका F साइज। हाँ F साइज, वो एक बहुत मतलब ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा भी ठीक नहीं। यू यूज स्केचबुक्स? व्हिच स्केचबुक यू यूज? स्केचबुक तो मैंने वो क्या मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो पता नहीं, लेकिन MENO मेनोरा। हाँ मेनोरा, यस। हाँ मैंने भी वही यूज की थी, मैंने उसको रिव्यू भी किया एक वीडियो में। हाँ तो वो स्केचबुक मतलब बहुत अच्छा है, अब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन एक्रिलिक्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है लेकिन चल जाता है। उसके लिए वो महंगी पड़ेगी उसकी, एक्रिलिक के लिए स्केचबुक, इसके लिए हमको ये कैनवास सस्ता पड़ता है। मतलब आप ये पेंट करते हो तो आप पोस्का ले लो ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। उसका भाई बहुत महंगा है अभी, महंगा है, लेकिन मार्कर्स की जगह मैं फिर नहीं जाना चाहता क्योंकि ब्रश है अपना, वो ब्रश ही को और क्या बोलते हो। तो भाई आपने बहुत पहले शायद ट्रिगर इंसान ड्रॉ किया था मेरे को याद है तो। हाँ उसपे मैंने एक स्केचबुक पे भी ड्रॉ किया था और एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स उन तक पहुंचा नहीं वो। हाँ भाई वो बड़े आर्टिस्ट का वही प्रॉब्लम है, मैंने तीन पॉडकास्ट से हम यही बात कर रहे हैं कि ट्रिगर्ड इंसान, मतलब हमको कोई हेट नहीं है वो आर्टिस्ट के, यूट्यूबर से हमको कोई हेट नहीं है, मगर हमारा आर्ट अगर उनका फैन पेज रिएक्ट करेगा तो वो लोग लाइक करेंगे, लेकिन हमारे मेन आर्ट को वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
वो लेकिन उनकी भी ज्यादा ज्यादा कर मुझे तो मिस्टेक नहीं लगी, बहुत बिजी होते हैं और उसमें भी वो उनको टाइम नहीं मिलता ना इतना रिएक्ट करने को, उनकी भी बहुत बार उन तक पहुंचता भी नहीं ऑनेस्टली बोलो तो, लेकिन जब पहुंचता है ना तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कुछ सुराग ही नहीं है अभी मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि दिखा टिकटॉक पे का है, लेकिन वो रिमिक्स होता है वो टिकटॉक मेरा वीडियो ही नहीं है, लेकिन वो भी सही है थोड़ी सख्ती है यूट्यूबर्स में वो नहीं पिघलते, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पे मुझे तो होप है कि वहाँ क्वालिटी कंटेंट प्रमोट होगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट्स बनाया, नहीं हो रहा भाई वही टिकटॉक वाले आ रहे उसमें हेल्प वीडियोस और क्या क्या बना रहे हैं भगवान जाने यूट्यूब शॉर्ट्स पे। हाँ छोड़ो लेकिन मुझे तो जितना मतलब क्या बोलो मैंने जो जितना रिसर्च किया है ना तो ओरिजिनल कंटेंट होता है, मतलब जो जिस पर टिकटॉक का वरना किसी और ऐप का वॉटरमार्क नहीं है ना उसको बहुत प्रमोट करता है यूट्यूब शॉर्ट्स, और स्पेशली वो जो क्या बोलते हैं वो मतलब उसके इंटर शॉर्ट्स के ही कैमरा से जब तुम रिकॉर्ड करते हो ना तो बहुत ये वो प्रमोट होगा। तो भाई शॉर्ट्स में तो इतनी एडिटिंग का ऑप्शन भी नहीं है कैसे करेंगे, नहीं है लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना, अगर अच्छा इनबिल्ट एडिटर होगा उसमें यूट्यूब में तो मैं तो प्रीमियर प्रो को उड़ा दूंगा इस पीसी लैपटॉप से। सेम सेम मैं तो भी वो यूज कर रहा हूँ, एक वीडियो पैड करके और वो रिजॉल्व करके एक कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची रिजॉल्व। हाँ डाविंची उसका कुछ वो कार्ड लिया था वो है, और वो थंबनेल के लिए मैं वो यूज करता हूँ फोटोशॉप, और ये अपना पॉडकास्ट एडिट के लिए ऑडेसिटी। हाँ मैं तो भाई तीनों चीजें प्रीमियर प्रो में, और थंबनेल होता है वो मैं आईपैड में कौन सा वो फ्रेस्को फ्रेस्को करके एडोबी फ्रेस्को एडोबी फ्रेस्को सस्ता है बहुत, मतलब फ्री है लेकिन। विच जनरेशन आईपैड यू यूज, कौन से जनरेशन का आईपैड? सिक्स्थ ओ सेम, मेरा 7th है, मेरा 7th है वो गोल्डन वाला ना। नहीं 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 मेरा वाला स्पेस ग्रे है, मेरा वो गोल्डन वाला है, एक गोल्डन वाला और एक ग्रे वाला है, मतलब वो छोड़ दिया है पापा ने लिया था उनके काम के लिए तो कभी कभी मैं यूज कर लेता उसको। एप्पल पेंसिल है आपके पास? नहीं नहीं नहीं। तो भाई मैंने तो ये अभी मैंने इतने पॉडकास्ट किए मतलब उतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं जितने से भी बिना सब मोबाइल पे बनाते हैं, सो आई थिंक मेरे को आईपैड पे ड्रॉ करके वीडियो बनाना वुड बी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम बिकॉज आई वांट टू मोटिवेट देम। सो मैंने अभी ये पॉडकास्ट किया था उसमें मेरे को वही आइडिया आ रहा है कि मैं मोबाइल पे बनाऊं और उसके वीडियो बनाऊं। नहीं मैं आईपैड पे सिर्फ अपना थंबनेल एडिट करता हूं। मतलब आप डिजिटल आर्ट ट्राई किया अभी आपने? किया है वही तो वो एनएफटी जो मैंने डाला था ना ब्रेकियोस और उसका वो बनाया था वो मेरे आईपैड सांप वाला। हां सांप नहीं हां वो डायनासोर है कुछ टाइप का। हां डायनासोर टीरेक्स कह सकते हैं। टीरेक्स ने वो लंबे गले वाला। तो आपने ये टाइगर भी बनाया था वो भी बहुत सही है। हाँ वो वही तो है लेकिन एडोबी फ्रेस्को पे उतने सारे ब्रशेस का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जितना है वो उन्हीं से काम चल जाता है मतलब उसके। अच्छा मैं आप प्रोक्रिएट ले लो ना। प्रोक्रिएट पहले तो प्रोक्रिएट के लिए वो पेड है एप्लीकेशन और उसमें भी महंगी है मेरे पास, और उसमें भी मुझे डिजिटल आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट से भी ज्यादा पोटेंशियल ऐसा नहीं दिखता। पोटेंशियल है लेकिन मेरे लिए तो नहीं क्योंकि मेरा ज्यादातर ट्रेडिशनली फोकस है। लेकिन मैंने अभी है ना पहले मैं बहुत नूडल्स बनाया अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, लेकिन मुझे एज आर्टिस्ट किसी चीज ने चेंज किया हो तो वो है इंक्टोबर ने। हीरो इंक्टोबर? हाँ ऑफ कोर्स मैंने एक बार किया था लेकिन आधा करके छोड़ दिया मैंने क्योंकि इंक्टोबर इज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा नहीं था कि, लेकिन बहुत हार्ड था एक दिन में एक ड्रॉइंग बनाना भाई। हाँ, मेरे लेकिन दिन में तो... एक दिन में एक बनाना था। हाँ,
लेकिन मेरे लिए तो एक अच्छे मैंने उसको चैलेंज की तरह नहीं लिया था, मैंने उसको एक कोर्स की तरह लिया था अक्टूबर को। एक्चुअली क्या किया मैंने, मेरे जब अक्टूबर से पहले सितंबर को अक्टूबर आने वाला था तब उन्होंने प्रॉम्प्ट रिलीज किए, तो मैंने देखा और मेरे को एक आइडिया आया कि मैं इतने टाइम से पहले डिजिटल आर्ट बना रहा हूँ वो एकदम बेकार है, तो ये मेरे चांस है, मेरे हाथ का चांस है कि मैं अपने डिजिटल आर्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने लास्ट एक डूडल बनाया, उसके बाद पूरे महीने में थोड़े बहुत बनाए, और उसके बाद मैंने बीच में एक इंक से भी वो बनाए, मतलब इंकटोबर का मेन पर्पस जो है वो, आई थिंक इट हेल्प मी, मुझे भी बहुत हेल्प किया। मेरे लिए डिजिटल के लिए अभी तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन केश है, केश आर्ट, लेकिन ओजी ऑफ इंडिया। मुझे तो लगता है कि उसने हिंदी में वीडियोस बनाने चाहिए और इंडियन ऑडियंस फोकस बनाने चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, नॉर्थ का और साउथ का, मतलब आप गोवा भी अभी साउथ में लेकिन वो महाराष्ट्र के नजदीक है इसलिए चलेगा वो, गोवा अभी ही कांट यू नो, मतलब आप अभी बना सकते हो हिंदी में वीडियो, लेकिन उनके लिए हार्ड है, उनके लिए हार्ड पड़ेगा थोड़ा। आई थिंक दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू चेंज द कम्युनिटी, क्वालिटी कंटेंट है, मतलब क्वांटिटी पे फोकस, वैसा भी नहीं है कि इंग्लिश पे कुछ भी बक देते हैं, मतलब केस जो बोलता है ना वो सोच समझ के बोलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुमने इंडियन वो आर्टिस्ट देखे है क्या कर रहे है वो रियलिस्टिक ड्राइंग के नाम पर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, मतलब इनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी, मतलब मैं इतने साल से ड्राइंग कर रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन एक ट्यूटोरियल ही देखा है, नहीं मैंने ट्यूटोरियल देखा है, लेकिन ट्यूटोरियल उनसे लेना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है। मैं इतने साल से ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ उतना भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाला नहीं है। तो मेरी तो ऐसी राय है कि जिसे एक्सपीरियंस नहीं है ना आर्ट में, वो ट्यूटोरियल ना बनाए, ट्यूटोरियल तो, क्योंकि वो इतने, मतलब क्या बताऊ ना, वो लो क्वालिटी कॉन्टेंट, और मतलब वो दो दिन एक भी उनका वीडियो पूरा देखने जैसा नहीं रहता। मैं मतलब हेट नहीं कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो है, सच को स्वीकारो सालो, वो सच, मैं तो भाई सच बोल रहा हूँ, ये सच जैसा तुमने बोला, इट इज व्हाट इट इज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट आईजी कम्युनिटी। हाँ, अब ये भाई टॉपिक क्या बताऊं मैं इन दिनों, इंस्टाग्राम तो अब ऑफिशियली क्या बोला, डेड फॉर आर्टिस्ट, नहीं डेड फॉर आर्टिस्ट है, लेकिन वो वीडियो प्लेटफॉर्म बन गया है, मतलब जो वीडियोस है उनको ज्यादा प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम, फोटोज को नहीं। अब चेंज लेना चाहिए ना, अब भी चेंज को भाई मैं ऐसे कुछ, मतलब जो है उसको हम भी कुछ करना चाहिए, हम भी रील्स बनाते हैं अब, क्या बोलते हैं वो, बी लाइक वाटर, चेंज विथ इट, मतलब आपने भी बहुत ज्यादा रील्स बनाई है, रील्स बनाई है और दो तीन बहुत मतलब ब्लो करी है, 200-300 के व्यूज मिले थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म, उसका शॉर्ट मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं कर सकते, एक दिन की चांदनी है। मैंने अभी तुम टेन हन को फॉलो करते हो, किसको, टेन हन एक सेकेंड, नाम 1000 सर्च करो, 1000 एक्रिलिक पेंटिंग्स वो बनाता है, और बहुत मतलब क्या भाई साहब, ये बंदे को मैं पहले कैसे नहीं जाना, डिजिटल आज जैसा है उसका आर्ट यार, डिजिटल है, लेकिन वो ज्यादा ऐसा क्या बोलते हैं वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉलो करता है, और उसके वीडियो आइडियाज जो है ना, बहुत अच्छे वीडियो बनाता है, मतलब क्वालिटी कॉन्टेंट, ये बंदा देखना पड़ेगा, रुको इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ आराम से इसका सब देखूंगा वीडियो भाई, थैंक यू यार, ये बहुत सही बंदा है, मतलब ZHC से तो सही है, मार्कर्स से मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी स्किल्स है, जो है वो थोड़ी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ वो थोड़ी मतलब लेवल उसकी नीचे चली गई, थोड़ी सी ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी चली गई, क्योंकि जो मतलब स्टेबिलिटी मेरे हाथ में थी पेंटिंग्स जब मैं बनाता था, वो मुझे रिवाइव करने में बहुत वक्त लगा, मतलब अभी तक मैं उसे रिवाइव कर रहा हूँ। मतलब अब उतना सैड और उतनी भी बात नहीं, मतलब अब चेंज लो, और एक अभी मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि आप क्या करो,
आपका आर्ट उतना सही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप आधा रियलिस्टिक बनाओ और दूसरा आप मार्कर से डूडल उसमें ऐड कर दो, वो काम आएगा, क्योंकि अब वो नहीं कर रहा है। मैंने मतलब बनाया है वैसे, बहुत बनाया है वैसे मैंने। हाँ वो आँख बनाई है, आँख बनाई है, और उसके बाद वो एक मोनेट आर्ट करके है ना, उसके साथ भी कॉलेब भी किया था मैंने। हाँ वो डेड है वो आर्टिस्ट, वो बहुत 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 टैलेंटेड है। वो अब कुछ पोस्ट नहीं करता है ना? अब कुछ पोस्ट नहीं करता, लेकिन जब वो एक्टिव था तब वो मतलब बहुत अच्छा था। हाँ, और एक और चीज, मार्कर्स को मार्कर्स जब यूज करते हो ना तुम, तो वो बहुत इजी है। मतलब मार्कर्स से कुछ कोई चीज बनाना ना, वो बहुत मतलब सिंपल हो जाता है, मतलब सब कंट्रोल। मैं पहले वाटर कलर वो सब यूज करता था, उसमें ब्लेंडिंग करना बहुत हार्ड है, लेकिन मार्कर्स ने ये सब गेम ही बदल दिया है। मार्कर्स ने जब से पता चला है, मतलब अभी आपने बनाया था ना 2K वाला, और एडिक्टेड भी बहुत हो जाता है तुम, मतलब बाकी के जो मीडियम करते हो तो वो ट्रांजिशन बहुत क्या बोलते हैं वो टफ टू मेक ऐसा होता है, पड़ता है। लेकिन वो डिजिटल आर्ट में वो उतना सही है, क्योंकि आप डिजिटल आर्ट पे एप्पल पेंसिल से बनाते हो या इज द फ्यूचर, वही तो फ्यूचर नहीं। लेकिन एक चीज हमको वैक्स से मतलब ना, चाहे हम उसको भी हेट कर रहे हो, हेट नहीं मतलब वो हमको नहीं पसंद आ रहा है कि वो यूट्यूब पे और इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, लेकिन हम उसको एक चीज उसने हमको सिखा दी है कि आप ट्रेडिशनल में भी डिजिटल आर्ट बना सकते हो। वो बंदा अभी प्रूव कर रहा है ये चीज, वो बेशक बात वो तो है, डूडल कम्युनिटी का वो भगवान है वो। वैक्स की ये चीज है कि उसने डिजिटल बनाया, वो स्केच डिजिटल करता है, लेकिन जो मेन आउटकम होता है, मेन आउटकम होता है, वो हमेशा ट्रेडिशनल ही रखेगा, क्योंकि उसको पता है वो उसको अगर I am just guessing it कि वो बंदा उतना अच्छा ट्रेडिशनल में भी और डिजिटल में भी है, फिर भी क्यों वो इतना ट्रेडिशनल में पैसा खर्च करता है। उसका एक ही आंसर है कि वो उसका कंफर्ट जोन है और वो ये नई स्टाइल बना रहा है। अभी मैं अभी तो तुमको बता सकता हूँ कि आज से सिर्फ 6 महीने बाद, अब आप 6 या 1 साल भी ले लो, 1 साल बाद अगर आप ये वैक्स ने जो भी जोनरा ट्राई किया है कि वो LED स्क्रीन लगाता है, ये बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ वो तो ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों साथ में होगा। कैसे उस बंदे ने वो इमेजिन किया होगा देखो भाई, वो मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, इम्प्लीकेशन वगैरह कैसा भी हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत मतलब पोटेंशियल है उसमें। हम लोगों में अभी भी वो देर लगती है, मतलब समझ लो भाई, हमको भी कुछ आइडिया है कि हमको कुछ इस टाइप का बनाना है, समझ लो बीच में कुछ रखेंगे और बाजू में पंख होंगे और उस पंख में हम डूडल सेट करेंगे, ये हम सोच के बस ऐसे ही रफ में रख के छोड़ देते हैं। स्केचबुक के हमारे पास एक ऐसा हमेशा पेज होता है डूडलर्स का, जिसपे बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कितनी पेजेस भरी है मैंने और उस पे कभी ड्राइंग बनाया ही नहीं, वैसे ही पड़े हो। और उससे भी ज्यादा मतलब अब्सर्ड ऐसी चीज है कि जो हमारे पास है वो नहीं, लेकिन हम और मतलब दूसरा आइडिया चाहिए, और वैसे हम वही अरे भाई आइडियाज खत्म हो गए, लेकिन जो हाथ में है वो छोड़ो, वो करो ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो होता है ना, लोग हमको वैक्स से ये सीखना चाहिए, वो अभी जो बना रहा है उसके पास 3-4 साल पहले के आइडियाज को अब रिवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मतलब हमको, हम क्या करते हैं कि हम, मैंने कहा ना स्केचबुक पे एक ऐसा हमेशा पेज होता है जिसमें हम ऐसे ही कुछ ना कुछ आइडियाज को हम स्केच करके छोड़ देते हैं। उसको छोड़ो मत, उसके बारे में सोचो एक बार दो बार, स्केच करते रहो करते रहो, इरेज कर स्केच करते रहो, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो उसके फाइनल आउटकम से, तब आप उसमें डूडल्स ऐड करो। स्केच सबसे मेन चीज है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा फुल पे डूडल, फुल पे डूडल अभी दूसरी चीज है, मैं वैक्स जॉनरा की बात कर रहा हूँ। तो वैक्स का अपना खुद का जॉनरा है, जैसे कि कोई टाइगर ऐड किया, बटरफ्लाई ऐड किया, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। कोई नया आर्टिस्ट है जैसे कि आप बीपल स्टाइल का कुछ बना सकते हो, और आपकी स्टाइल में ये एंग्री प्रास का वैक्स की स्टाइल में बना सकते हो। वो वैक्स का आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर आप उसकी तरह आर्ट बना रहे हो तो उसकी तरह सोचना भी चालू करो। क्योंकि मुझे तो होप है कि वैक्स पुराने जैसे वीडियो फिर बनाएगा और हम उसी धुंध में ड्राइंग बनाएंगे। गुड ओल्ड डेज। हाँ लेकिन नहीं, अभी वो भी ठीक ही कर रहा है, उसके भी गलती नहीं है। कब तक वही उसी रूम में, बंदे ने नया घर ले लिया, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, लंदन जाके आया मिस्टर डूडल के पास, इमेजिन
पर्सनल और डेवलपमेंट पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे ज्यादा, सेल्फ ग्रोथ पे, और वो भी बहुत थिंकिंग मत करो, वो अपने के लिए टाइम ले रहा है और वो हम सब जानते हैं कि वो जब भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करता है तो पूरी कम्युनिटी हिल जाती है। जो आर्टिस्ट 3-4 महीने से इनएक्टिव वापस आ जाते हैं नेक्स्ट की एक वीडियो देखने से, ये उसकी लेगेसी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब बॉक्स है वो उसके ही स्टेप्स पे चल रहा है, मतलब बॉक्स तो ये अलग चीज है। लेकिन बॉक्स ने किया फिल्म मेकिंग में वो ज्यादा ध्यान दे रहा है और मतलब क्लास कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज पे सबको बुलाना चाहता हूँ। ये जो नए नए आए ना, हम तो लोग हम जो पुराने आर्टिस्ट है उनको पता है कि वैक्स और गॉक्स क्या चीज है, लेकिन अब जो नया है ना वो गॉक्स और वैक्स कंपेयर करते हैं, स्टोरी में रखते हैं वैक्स ऐसा गॉक्स। नहीं था भाई, वो दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और पहले तो गॉक्स ये जो जो भी सुन रहे हैं ना, जो इंडियन लोग जो इंडियन ये सुन रहे हैं और ये सब करते हैं, एक चीज में बोलना चाहूंगा, चालू वैक्स ने किया है और तुम जो ये भी बना रहे हो उसको पहुंचाने वाला गॉक्स है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे जो हो उन्होंने वैक्स को ही देख के चालू किया क्योंकि हम लोग पुराने आर्टिस्ट है। सो SPS गिव 3 टिप्स फॉर मी। 3 टिप्स भाई, मतलब हेट वगैरह ऐसा मत लेना, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऐसा लेना। कोई बात नहीं, सच बोलो जो बोल रहे। तुम फोटो किस कैमरा से लेते हो? फोन के ना? मोबाइल से। हाँ मोबाइल के। और एडिट कैसे करते हो उसमें? गैलरी से जाके एडिट करता हूँ। तो पहली टिप, ये एडोब लाइटरूम पता है तुम्हें? तो उसे डाउनलोड करो और फ्री है, बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें है मेरे पास मिल जाता है और वो तुम यूज करो एडिट करने के लिए। डाउनलोड किया, फोटोशॉप डाउनलोड करो मोबाइल पे? फोटोशॉप डाउनलोड करो? नहीं, वो फोटोशॉप में इतना मतलब क्या बोलूं मैं, काम का नहीं है। फ्री में कंटेंट नहीं, तुम्हें फ्री में चाहिए तो वो लाइटरूम में डाउनलोड करो और वो बहुत अच्छा है, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है उसका, इजी होगा तुम्हारे लिए वो, उसमें एडिट करो अपने फोटो। सेकंड टिप मेरे लिए एडिटिंग लाइटरूम। सेकंड टिप देखते हैं। तुम पेज कौन सी यूज करते हो? पेजेस मतलब वो लास्ट टिप रुको जरा, मेरा पेज विजिट करके बता सकते हो? हां वही मैं विजिट कर रहा था। सो कैन यू टेल मी 3 गेस्ट यू वांट ऑन दिस पॉडकास्ट? ओके हेलो, वैसे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ इन दिनों इस आर्ट में, मतलब आर्ट कम्युनिटी में। रुको, कैग्स आर्ट, फिगो और दो गेस्ट है, इनके डुप्लर के साथ मैंने पॉडकास्ट बना लिया है, और फिगो और कैग्स के साथ मैंने बात की थी, कैग्स भाई के साथ, वो भाई साथ में बहुत बनता है, बहुत ही फ्रेंडली गाय है वो आपकी तरह ही। केक्स को पूछा था तो उसका शायद केक्स भाई का भी बोर्ड है इसलिए वो अप्रैल में बनाएंगे मेरे साथ शायद। ओके हाँ, अभी बहुत एग्जाम चल रहे हैं, मेरे भी अभी आ रहे हैं थोड़े दिनों में, लेकिन मेरे अभी खत्म हो गए थे तो मैं फ्री मिला तुमको। केक्स को पूछा था भाई पॉडकास्ट कब बना है, जवाब देंगे मेरे को, वो गुड फ्रेंड है। सो SPS व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स तो इसमें अब मैंने थोड़े वीडियोज रिकॉर्ड किए। अरे सॉरी, गाड़ी का आवाज बहुत जोर से आया तुम्हें। तो वीडियोस बहुत लाइन में है, चल रहा है वीडियो पे काम, एक मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। घर में मैंने चारकोल बनाया था, होममेड चारकोल। कैसे किया? मतलब प्रॉपर। हाँ कैसे बनाया घर पे? कैसे बनाया? वो लकड़ी ले लिया हुआ और उसको ब्लेड से उसका मतलब बाहर का कवर निकाल दिया और उसको एक टीन के डब्बे में डाल के एक होल मारा उस डब्बे को और उसको चूल्हे में उड़ा दिया, तो आग लग गई और हो गया भाई देसी जुगाड़ 101। सिग्मार रूल नंबर 69420। मेक योर ओन चारकोल, don't buy from shop, we produce our own charcoal. Real sigmas produce their own charcoals. KSI bolta hai, produce their other charcoals. KSI bolta hai na prime, it's my liquid.
and subscribe to AWG Art. This was our podcast with SPSR. We hope you like this podcast. Follow if you are listening on Anchor. Like if you are listening on YouTube. Thanks for watching. And thanks for having me. Thanks for having me, bhai. Bahut acha laga bolke.